है पुल से हमारा विरोध नहीं है, हमारा मकान बचने चाहिए। आप पुल मकान के ऊपर से पुल ले जाओ। अभी 70-80 साल पुराना गांव है यहाँ पे। ये जो लोग रहे हैं उनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे अभी निवास कर रही है वर्तमान में। 2011-12 में जब यहाँ रोड चौड़ीकरण का जब हम लोगों के पास निर्देश आया था कि आपका ये रोड चौड़ा हो रहा है, तब 22.5 मीटर के हम लोगों को कहा गया था कि 22.5 मीटर पे आपका ये रोड 22.5 मीटर रोड के सेंटर से इस तरफ लेंगे। तो जो रोड के किनारे किनारे जो जितने भी मकान आ रहे हैं, इन मकान वालों ने स्वयं अपने हाथों से मकान अपने तोड़ लिए। विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता, सब विकास के साथ हैं, अपने हाथों से अपने मकान तोड़ लिए बिना किसी भी विरोध के। परंतु जब मकान तोड़ने के बाद आप देख रहे होंगे जो स्थिति है अभी, जब जनप्रतिनिधियों से सरकारी अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद इन लोगों ने अपने पैसों पर खर्च करके जब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया 22.5 मीटर छोड़ने के बाद, तो आज ये 30 मीटर पर आके जनप्रतिनिधि भी और सरकारी अधिकारी भी और जो NHAI के ऑफिसर हैं वो भी 30 मीटर पर यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि 30 मीटर पर आपको रोड चौड़ा किया जाएगा। जबकि 45 मीटर की हमें सहमति बन गई थी, हमारे पास कमिश्नर से हमारी बात हुई, तहसीलदार से बात हुई, हमारी जनसुनवाई में बात हुई, हमारे पास रिसिप्ट हैं कि 30 मीटर पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी आके बात की थी, सहमति जब हमारी सहमति बन गई थी 22.5 मीटर दोनों तरफ। तो आप उस तरफ रोड की उस तरफ क्यों नहीं ले रहे जब वन विभाग की जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है? हमको ये परेशानी है सर, पहले जब पुल का उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे ये सारे नेता बोल के गए थे कि 22.5 दोनों साइड में बराबर लेंगे। अब ये परेशानी आ रही है कि उस साइड में 15 मीटर ले रहे हैं और हमारी साइड में 30 मीटर ले रहे हैं, उसमें कम से कम 15-20 मकान जा रहे हैं। या आप ये कृपा करें कि बराबर बराबर ले ले तो हम लोग बच जाएंगे। हमारी सबसे ज़्यादा परेशानी है ना, तो हम पे रहने को फिर कहीं जगह है ना, हम कोई धंधा कर सकते, कहाँ पे रहेंगे अपने बच्चों को ले जाके।